सॉरी गाइस, ये वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या आप व्हाट्सएप यूजर हैं? ऑब्वियस सी बात है, होंगे, जरूर यूज करते होंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज आ रही थी कि व्हाट्सएप बहुत सारे लोगों का जो हैक हो रहा है, और इवन बहुत सारे लोगों का हैक हो भी चुका है। तो हो सकता है अगला शिकार आप हो, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसको समझिए कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान पर, देर किस बात की, चलिए कुछ नया सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली कुछ न्यूज आ रहा था कि बहुत सारे लोगों का जो है व्हाट्सएप हैक हो रहा है। तो ये जो है हैक हो रहा, क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये कैसे हैक हो रहा है और उससे बचना कैसे है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो व्हाट्सएप हैक का जो ये स्टार्टिंग है, तो ये जो है NSO जो ऑर्गेनाइजेशन है, NSO, ठीक है, ये इसराइल साइबर इंटेलिजेंस कंपनी के द्वारा है, NSO के द्वारा जो है एक वायरस बनाया गया है, स्पायवेयर वायरस, ठीक है। ये क्या होता है कि आपके फोन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और ये वायरस जो है आपके कॉल्स, टेक्स्ट, ठीक है, और माइक्रोफोन, वीडियोस, ऑडियोस, और भी बहुत सारे के डेटा, जो बहुत सारे तरह के डेटा होते हैं, उनको ये अफेक्ट कर सकता है और कर रहा है लोगों के अफेक्ट। तो ये आता कैसे है आपके फोन में? तो ये एक मिस कॉल के जरिए आता है, आपके फोन में एक मिस कॉल आता है, उसी मिस कॉल के द्वारा ये आपके फोन में एक, ये वायरस क्या होता है, कोडिंग होता है, वो कोड को आपके फोन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इसी कोडिंग के द्वारा आपके फोन का डेटा जो है हैक हो जाता है, या फिर कहें लीक हो जाता है। तो आपको बचना कैसे है, या फिर आपको इसे सेफ कैसे रहना है? तो आपको सबसे पहले देखिए, पहले एक बात समझिए कि जब ये पता चला व्हाट्सएप को कि इस तरह का एक्टिविटीज हो रहा है, तो व्हाट्सएप ने तुरंत इसका सिक्योरिटी पैच जो है इशू कर दिया, जैसे लोगों को इससे इफेक्ट ना हो, लोग इससे सेफ रह सके, बच सके। तो आपसे कहना यही है कि बस वीडियो खत्म होने के बाद आप जाइए प्ले स्टोर पे और अपने व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए। आप जैसे ही अपडेट करते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी पेच लेवल का जो मिला है आपको व्हाट्सएप की तरफ से, वो आपके व्हाट्सएप में एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका जो व्हाट्सएप है कोई फिर हैक नहीं कर सकता, तो और आप इसे सेफ भी रह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो अगला शिकार साथ वो भी हो सकते हैं, तो वो इनसे बच सके। तो बस दोस्तों, जाइए इसे अपडेट कीजिए, और इससे यही सीख मिलती है कि जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, जिस भी आप चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैब, जो भी यूज़ करते हैं, आप उसको अपडेटेड रखिए। जब तक आप अगर अपडेट नहीं रखेंगे, तो इस तरह का जो भी माहौल में हो रहा है, शायद अगला शिकार आप बन जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो आप उसको हमेशा अपडेट रखो। बस आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इस आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इस वीडियो को, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, उनको भी पता चले कि शायद अगला शिकार वो उनका ना बन जाए। तो बस आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।